हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी, और अगर आप सिंगल हैं, अभी आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं हैं, तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये है गाइस आपकी एनर्जी, ये आपके पर्सन की। कल दशहरा था इसलिए मैं थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं लोड की, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी थी तो मैंने सिर्फ करंट फीलिंग्स लोड की। आज अगर मुझे समय मिलता है तो अनएक्सपेक्टेड के पहले मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग या अनएक्सपेक्टेड के बाद थर्ड पार्टी की रीडिंग भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो गाइस आपकी तरफ पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी है टू ऑफ कप्स। तो आज आपकी एनर्जी कल से बेटर है, काफ़ी बेटर है। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों का यूनियन हो गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दोनों के बीच में कोई रूड एनर्जी है, आप चाहते हैं वो कन्विंस हो जाए। हो सकता है ये आपकी फैमिली में से कोई महिला हो या उनकी फैमिली में से कोई हो, बट यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसको लेकर आप प्रेयर कर रहे हैं आज के दिन में कि कोई चमत्कार हो जाए और उनका दिल पिघल जाए मोम की तरह आपके लिए। ये वाली सिचुएशन है। ओके, तो आज का दिन काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, जिनका कल नहीं भी हुआ है उनका भी आज हो सकता है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, बहुत दूर आ गए हैं आप मेहनत करते करते। जैसे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो लोग IAS IPS गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो 2 साल 3 साल 4 साल बार बार अटेम्प्ट करते हैं। कई लोग एक अटेम्प्ट में, जिनकी कुंडली मजबूत हो, एक अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, जिसका सूर्य मजबूत हो, मंगल मजबूत हो, इवन राहु मजबूत हो, वो लोग एक अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, वो एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट देते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, स्टेप बाय स्टेप आप बहुत समय दे दिया आपने, अब आपको ऐसा लगता है पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे क्या करना है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैंने इतना टाइम दे दिया प्रिपरेशन में कि अब अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ, किसी को मुँह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को मुँह दिखाइए। और दुनिया में कर्म करना है, दो रोटी खानी है, भगवान का नाम जपना है, अपनी सोल को ग्रोथ करना है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करें पैसे आएंगे आपको, और पैसे आएंगे तो आपका काम चलेगा। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एजुकेशन ले ली, आपसे कम एजुकेशन लिए हुए लोग आपसे आगे हैं, और आप इतनी एजुकेशन लेकर भी, इतनी प्रिपरेशन करके भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं। तो मैं आपको कहूँगी, ऐसे बच्चों को कहूँगी कि बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाएं। हो सकता है आपके लाइफ में आपको कुछ और बड़ा करना लिखा हो, तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, आप जिस रास्ते पर आपको ले जाया जा रहा है चुपचाप चलते जाइए, विश्वास कीजिए, एक ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, वहाँ पर इतना पाते हैं, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ होगी, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत विजडम वाले हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बट एक फियर है उनके अंदर। तो ये जो फियर वाला है सिचुएशन, कई बार ये फियर खुद नहीं आता, बट लोग इतना कर्स करने लगते हैं कि वो टेंशन में आ जाता है बच्चा कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे की एनर्जी भी है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, जो कि लव रीडिंग से हटके है, बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एनर्जी थी तो मैंने बता दिया।
इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा दिन है। हेल्थ अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की ख़राब थी तो इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ लोगों को रिसेंटली पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। पेट आपके घर में हुई है या आपको हुई है? कई लोगों को वायरल हुआ है बहुत बुरी तरह से, कोल्ड एंड कफ, या आप कह सकते हैं वायरल, या आप कह सकते हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। तो इस तरह की अगर कोई परेशानियां हैं, या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो कि अर्थराइटिस का पेशेंट है, अर्थराइटिस अगर किसी को है, घुटनों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन, तो 10-10 पोर्टल के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे रिकवरी होगी, चीज़ें हील होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट नॉर्मल जो घर की चीज़ें हैं उसको खाइए, मस्त रहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है, लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यूनियंस तो होंगे, जिनके नहीं हुए हैं उनके भी होंगे, जिनके हुए हैं उनके बीच में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होगी जिससे कि कोई पुरानी गुस्से वाली एनर्जी बाहर आएगी। तो ये मैं आपको सुबह सुबह बता दे रही हूँ ताकि ऐसी कोई बात ना निकले और आप दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत अभी नया नया यूनियन हुआ है तो वो फिर से गड़बड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। शक बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नज़र बहुत ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को हमेशा इस वाइब्स में रखिए कि ठीक है, आ गए हैं, कोई कृपा नहीं की है आपके ऊपर, आ गए हैं, बात करेंगे तो बात करो, नहीं करते हैं छोड़ दो। बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करो वरना आप दोनों के बीच में होगा कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा जो नो कॉन्टैक्ट में है, आज के दिन बहुत ज़्यादा स्पाई करने की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए शॉर्ट जर्नी नज़र आ रही है, शॉर्ट जर्नी इंडिकेटेड है। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या कोई आसपास कोई जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत लंबा ट्रैवल नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 of Wands, 6 of Wands, डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 of Cups, 4 of Coins। ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स, आपकी तरफ ओवरऑल एनर्जी 2 of Cups, इनकी तरफ द लवर्स, दोनों की तरफ यहाँ पर एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, लव लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज हो रही है आप दोनों के बीच में। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, अगर वो ये रीडिंग देख रही होंगी या देख रहे होंगे जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि मैम आप कहते हो कि थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट ना करें, थर्ड पार्टी के लिए बुरा ना बोलें, ठीक है, लेकिन आप थर्ड पार्टी को लेकर ये भी कहते हो कि क्लेम करें। जब मैं कहती हूँ ना कि रिलीज़ हो रही है तो क्लेम करें, क्लेम करने का मतलब है कि आपके फेवर में जो चीज़ें हैं वो हो जाएं, ये होता है क्लेम करना। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो ही आपसे रेजोनेट करें, आपके अगर कोई कष्ट हैं तो वो रिलीज़ हो जाएं। जब ऐसी एनर्जीज आती हैं कि आपके दुख दर्द पीड़ा रिलीज़ हो जाएं, आपका यूनियन हो जाए, तो मैं कहती हूँ क्लेम करें। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि थर्ड पार्टी को क्लेम कर लें, या मैं कभी भी ये नहीं कहती कि थर्ड पार्टी के लिए बुरा मनाएं, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने लिए अच्छा मनाओ, दूसरे के लिए बुरा नहीं मनाओ। क्योंकि अगर गलती से, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, कई बार आप में से कई ऐसे होते हैं जो खुद थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, उनको खुद को अंदर से इंट्यूशन आती है, वो खुद कमेंट में भी लिखते हैं कि कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ। तो अगर ऐसे में आपने थर्ड पार्टी के लिए बुरा मैनिफेस्ट किया तो वो चीज़ें आपको लग सकती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं कि आपका यूनियन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो मुझे क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा वी हैव 6 6 वाइब्स, 6 of Cups विद 6 of Wands। तो बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कोई जेस्चर, कोई गिफ्ट, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। सक्सेसफुली आप दोनों का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर किसी बर्डन, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से, जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कोई सिचुएशन, उस सिचुएशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में थोड़ी कंजूसी वाली एनर्जी में हैं, तो ये आपको एनर्जी नहीं देंगे,
पैसा भी नहीं देंगे, एनर्जी भी नहीं देंगे। मतलब कि ये थोड़े पैसे को लेकर भी कंजूस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये हो सकता है पैसे ना निकालें। आप कह दें यार जान मुझे शादी करनी, मुझे शॉपिंग करनी है, शादी नहीं करनी, शॉपिंग करनी है, तो ये कह देंगे सीधा कि नहीं अभी नहीं, अभी बजट हमें अलाउ नहीं कर रहा, या बहुत कम पैसे देंगे आपको शॉपिंग करने के लिए। तो मतलब थोड़ा कंजूसी वाली एनर्जी है। तो अगर आप मैरिड कपल हैं तो यहाँ कंजूसी है, आपको इस बात पे गुस्सा आ सकता है कि तुम्हारे पास तो हमेशा कमी रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पीरियड में। जैसे इनको ये रहेगा एक खौफ कि अगर अब इन्होंने डिसीजन नहीं लिया शायद आप इनको छोड़ दोगे, शायद आप हमेशा हमेशा के लिए इनकी लाइफ से चले जाओगे, शायद ये आपको खो देंगे, ये वाली एनर्जी है। इसलिए भी वापस आने की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है और क्विकली डिसीजन लेने की एनर्जी है, मतलब टाइम नहीं लगेगा। सो होप कि आप सबसे ये लवर्स की एनर्जी रेजोनेट कर जाए, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो मिट जाएं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपको रिसीव हो जाएं, ये वाइब्स आपसे रेजोनेट हो। सो मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, और फिर आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।